नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों का पूछना है कि क्या इस समय गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, गुलाब की कटिंग आप लगा सकते हैं इस समय, और जिनके पास पुराने गुलाब के प्लांट हैं तो उनको रेनी सीजन में ही थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर देनी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग प्रूनिंग कर दी थी, मेरे 2 से 2.5 साल पुराने गुलाब के प्लांट हैं, इधर भी है। तो ये देसी गुलाब है तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग अभी हुई थी, तो जो फूल आते हैं पुराने उनको हमें हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुराना फूल बना हुआ है, बाकी सब मैंने हटा दिए थे। तो हटा देने से ही हमारे और फ्लावर्स बनेंगे। तो जहाँ जहाँ मैंने कटिंग प्रूनिंग की थी वहाँ देखिए नई पत्तियाँ आ रही हैं, नई ग्रोथ हो रही है, और इस समय हमें थोड़ा बहुत खाद भी डालना ज़रूरी है जिससे कि ये अच्छी ग्रोथ ले सकें। और अक्टूबर में इनका टाइम होता है फ्लावरिंग करने का, तो अक्टूबर में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और इनके फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। तो जैसे कि मैंने देखी यहाँ भी कटिंग प्रूनिंग कर दी थी रेनी सीजन में ही, पिछले मंथ मैंने की थी, और अब ये ग्रो कर रहा है और नई नई लीव्स आ रही हैं। तो इसी तरीके से मेरा एक गुलाब यहाँ रखा हुआ है, ये है हरा गुलाब, तो इसमें तो फूल बनते ही रहते हैं। देखिए इस तरीके का हरा गुलाब होता है, और यहाँ पर तो काफ़ी सारे फूल बनते रहते हैं। और मैंने इनकी देखिए कटिंग प्रूनिंग करी थी तो आपको ये नई नई लीव्स दिख रही होंगी, तो सारी लीव्स ये बिल्कुल नई नई आ रही हैं। काफ़ी बड़ा ये हो गया था तो मैंने इसको बिल्कुल ट्रिम कर दिया था, काट करके छोटा कर दिया था, और अब अच्छी खासी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो खाद में आपको इसको अच्छी खाद डालनी होगी, अगर आपके पास गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद है पुरानी तो आप वो अवश्य डालें, अदरवाइज़ वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और समय समय पर यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपके गुलाब में ढेरों फूल आएंगे और उनका साइज़ भी बड़ा होगा। बस आने वाले समय में अब इनका टाइम आ रहा है, पूरी सर्दियों में आप भर भर के फूल इनसे ले सकेंगे। और यदि किसी को कुछ पूछना है तो अवश्य पूछें, और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें तो मैं ज़रूर उनके प्रश्न का जवाब दूंगी। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने गुलाब के ऊपर बनाया था, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।